जय जगन्नाथ। मु आशीष पटनायक आपको स्वागत करुच्ची आशीष प्रॉपर्टी ज्ञान ओडिया यूट्यूब चैनल को। तो दर्शक बंधु आज भिडियोटर विषय वस्तु कौन? तो आज भिडियो विषय वस्तु है एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो एग्रीमेंट जो हुए सेल डीड जो हुए आम किपर पढ़ा और आपने ठकामी शिकार होगाक जाऊँ आपरि वंचित होते हैं। आप जानते कि यहाँ आप सहित होगा जाऊँगी आपने पढ़ी से वंचित होते आप ठकामी शिकार होगा जाऊँ आगे। तो यहाँ निर्देश जाना दरकार और भिडियो आम विषय कम्प्लीट डिस्कसन करवा आपठ नोट्स देखिए पड़ते। तो आज आम कौन कौन सब विषय वस्तु कथा। तो प्रथम तो है टर्म्स एंड कंडीशंस, सेल डीड, पेमेंट, ऑल अदर डिटेल्स विषय कथा, प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस केमती रही विषय में टी आलोचना करवा, नेगोशिएशन प्राइस, अन्यान्य जिनस जहाँ अच्छे डिटेल्स आम कथा, डिटेल वे आम कथा, जमा भी किसी भी पॉइंट आज छाड़िया नहीं, जमा मैंने किसी भी आपने डिटेल मिस करेंगे। टोटल वीडियो टी देखिए, टोटल वीडियो देखा पर आपने कंप्लीटली बुझे कि सेल डीड किपर हुए और सेल डीड में कौन कौन पढ़ा आवश्यक और कौन आपने जानवा पाए सेल डीड्र मैंने जो पेपर टी अच्छे किपर आपने पढ़ी पारे इजिली सरल उपाय पढ़ी पारे। तो आज आपने देखा पाए तो आगे जा नोट्स अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी डिटेल्स अफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किपर बिका जाए तरह डिटेल्स, एग्रीड प्राइस, एडवांस के पेमेंट कराए, सेलर डिटेल्स एंड अदर्स। तापर यहाँ मेन जिन आसे मेन जिन जो ई स्टैंप अच्छी। तो ई स्टैंप ये आप देख पाते माइक्रो प्रिंट, नो फियर अफ टैंपरिंग। तो यहाँ जो ई स्टैंप अच्छे ना मैंने टैंपरिंग जमा भी हम ना आगुरु तो भाई फिजिकल स्टैंप आपने देखिए यहाँ ओल्ड स्टैंप पेपर कि बर्तमान ई स्टैंप जमा आसे। तो ई स्टैंप पेपर को किपर आपने पढ़े और किपर आपने बुझीपारे और कौन क्लोजेस अच्छे कौन कौन एग्रीमेंट कौन आप सैन कर बुझेगा। जदि आप जानना कि कौ एग्रीमेंट आज सैन करते आप लक्षाधिक टाँचा अथवा कोटि कोटि टाँग आप लॉस करेंगे जदि आप जानना कि एग्रीमेंट में कौन लिखाई। तो एग्रीमेंट टी पढ़ा आप निहतमी आवश्यक और आपने जथेष नलेज सहित भिडियो देखला पर आप नलेज कि आपति आईडेटिफाई कर पाए कि कौन लिखाई एग्रीमेंट में आ प्रत्येक क्लोजेस को आपने बुझीपुर। तो यहाँ ओल्ड स्टैंप पेपर ना न्यू स्टैंप पेपर, ई स्टैंप पेपर, तापर यहाँ है सेल डीड अच्छी। तो ये सेल डीड एग्रीमेंट ऑफ सेल अच्छी। तो मुझे देखी वेंडर किए और बायर किए। तो ये जो अच्छी वेंडर एंड मान जो सेलर और बायर भितर डिफरेंस आपको देखा पाए। तो सेल डीड फॉर ए फ्लैट, गोटे फ्लैट बिक्री हो तो फ्लैट रे सेल डीड केमती हो तो ता विषय आम ये आलोचना करूँ। तापर ये देख पारे तो यहाँ ड्राफ्ट मानने जो अच्छे ना मानने जो सेल डीड जो अच्छे ये भारतीय सरकार के द्वारा इंडियन नॉन जुडिशियल जो 100 टंका पेपर टी अच्छे। तो यहाँ आप देख पारे तो यहाँ सेल डीड जो अच्छे इन फेवर अफ तर वेंडर की। तो सब जिन आप देख पारे तो बर्तमान ये सैड्रे भी आप देख पारे कौन कौन एग्रीमेंट हो। तो सब जिन आज डिस्कस कर वीडियो रे तापर तले भी अच्छी दुईटा फोटो। तो ये मुझे दुईटा एक्जामपल नहीं दुईटा एक्जामपल देख पाते परचेजर की तापर कौन क्लोजेस कौन अच्छी मैंने कौन कौन मैंने आपको आईन को मानिक चलिए पड़े। तो कौन कौन क्लोजेस अच्छी एग्रीमेंट कौन अच्छी सब जिस दर्शक बंधु ये लिखा जाए। तो सब जिस आज आम डिस्कस कराया भिडियो में। तो चलतु बर्तमान तो ओवरव्यू डिस्कस कले कि कौन कौन आम डिस्कस कराया भिडियो में कि बर्तमान चलते मेन टॉपिक को आसवा। तो मेन टॉपिक है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो अच्छी आपने देखी पड़ते तो ये आम कथे कौन टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने कौन कौन काम ये आपको देखा पड़ो। तो प्रथम है सेल डीड। तो सेल डीड तो हम तो आपने सेल डीड देखा पड़े कि सेल डीड में कौन कौन सब मेंशन अच्छी। तो पेमेंट तो पैसा आपने निश्चित भाव जमी कहने तो पेमेंट से गोटे नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्टर एंड नेक्स्ट इज ऑल अदर डिटेल्स और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने तो सही पढ़े। तो प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस तो प्रोसेसटा कौन हुए आगे आपने नेगोशिएट करते प्राइस मैंने धाजु से कहे लक्ष टाँग। तो आप कहे मुझ 90,000 देवी तो 10,000 टाँग कमला जो गोटे हाइपोथेटिकल एक्जामपल देव चेस्टा कले कि लक्ष टाँग जमी को आप 90,000 कले। तो ये नेगोसीएसन मैंने जो कहते मैंने आपने नेगोसीएट कले आप प्राइसटा को अपडाउन कले तो सही आप नेगोसीएसन करेंगे एज ए बायर और सेलर। नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट हम एडवांस मिनिमम 5% भी होपर आपड़ भितर एग्रीमेंट करेंगे आपड़ी चिन्ह पड़ चुके लोक तो 5% भी आपड़ी नहींपरेंगे कि मिनिमम टू मिनिमम 10% ना तो लिखा अच्छी ल अनुसार 10% ना दरकार। 50 लाख जगह 5 लाख टाँग मिनिमम ने 10% मिनिमम नबार अच्छी। तो एग्रीमेंट फॉर सेल। नेक्स्ट इज पेमेंट शेड्यूल। तो पेमेंट जो शेड्यूल अच्छी तो सही आप देते टर्म्स एंड कंडीशन तार अच्छे राइट्स एंड ऑल क्लोजेस अच्छी डिफॉल्ट पेमेंट्स अच्छी। तो सब नोटराइज कर प्रथम पेमेंट कर गोटे शेड्यूल दिजाव कि आप 2-3 मास भितर पेमेंट करा पड़ो। तो आपने एडवांस होगापर आप 2-3 मास मिलो ता भितर आपने पेमेंट कलापर तापर आपंक ना टी ट्रांसफर हो तापर जो म्यूटेशन हम अलग सब डिटेल्स आप जानवा पाए। तो नोटराइज हम तापर रजिस्टर सेल सेल जो है रजिस्टर करेंगे कौट करेंगे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो करेंगे सेटा आप कौटी करेंगे रजिस्टर करेंगे कौटी सब रजिस्टर ऑफिस आपड़ जानते हैं आम ओडिशा मैंने आमर तो खोर्धार प्राय टाइम हुए तो आम भुवनेश्वर हो तो आम खोर्धार हुए। तो यहाँ है टोटल डिटेल्स। तापर नेक्स्ट है फैक्टर कि आपने जो अच्छी
टर्म्स एंड कंडीशंस, तो टर्म्स एंड कंडीशंस कौन अच्छे जगह बिक्री किणवार टाइम तो डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी रो डिटेल्स जानवाक पड़ो। सेलर एंड बायर के विषय जानवे ना कौन, तापर जगार एरिया के एड्रेस कौन, परमानेंट एड्रेस जानते बापा ना जानवे, और ये जगह विषय एग्रीड प्राइस के बिक्री करा चेस्टा कर, तो एग्रीड प्राइस विषय जानवे, सेल प्राइस के, नेक्स्ट है पेमेंट टाइम एंड स्केड्यूल केबे पेमेंट करियो, तो स्केड्यूलटा कौन, तो सही आप जानवे, दुई रु तीन वर्ष भितर आपको पेमेंट करा पड़ो, बाकी एडवांस आप 10% मिनिमम देते। नेक्स्ट है अर्नेस्ट मनी और एडवांस, अर्नेस्ट मनी जनरली 10% निया जाए, जोटा कि 10% मिनिमम टू मिनिमम 10%, कोटी टकर जगह 10 लाख टाइम मिनिमम आपको दबा पड़ो अर्नेस्ट मनी, तो सही कहीं दिवे आगे डिस्कस कराया, द्वारा कौन टा फायदा हुए तो विषय में आम डिटेल डिस्कस करवा। डिफल्ट पेनाल्टी फर बायर एंड सेलर, डिफल्ट पेनाल्टी फर बायर एंड सेलर यह कि धरा जाओ जे लोकटे कि चाहिए जगह सेलर टी बिकला ना, धाज मोर एटा गोटे प्लट अच्छी, यार दाम धाज 20 टाँह, ठीक अच्छे, तो जन अच्छे सेलर आउ गए अच्छे जन बायर, तो बायर चाहिए कि तो से सेलर को आग 10 लाख टाँह देला, किंतु सेलर तक बिकाक चाहूनी, तो सेलर जेहे बिकाक चाहूनी, तो सेलर कौन करना फेर 20 लाख फेर, ठीक अच्छे, तो 20% फेरब से जगार, अथवा 2 टाइम्स फेरब जैक देती, मैंने आडभांस आडभांस 10%, तो 20% से फेरब, मैंने डबल फेरब 20 टाँह जगह, जो से 10% देखते आडभांस, जब से बिक्री करेनि सेलर से 20 लाख टाँह फेरब, यहाँ है पेनाल्टी। आदि उल्टा केस देखिए, जब बायर जब कि चाहूना, तो बायर सहज उपाय कि 10% देखा पड़ो, मैंने जीत पैसा से देते से पैसा से फेरिक पाए ना, 10 लाख टाँह देते 20 टाँह कि पैसा फेरी पाए ना, से फेरस्त मिलो ना, फोरफिट होगा जब्त कर 10 लाख टाँह आपने जातु आपने फेरिक पाए ना, तो सहीटा पेनाल्टी, तो से दिजा प्रेसर हो कि हाँ जगह आदि बिक्री करें चेस्टा करें बिकी रहा, जदि आम अधिक पक्ष घुंचा दबा तो आमको से पैसा लस करा पड़ो, तो से लोक मैंने बिक्री कर चेस्टा करते कम्प्लीटली बिकाक पड़ो बाध्य, ना आपको पैसा देवाक पड़ो। सेलर टू क्लीयर अल द ड्यूज बिफोर एक्जिक्यूशन अफ सेल डीड, जदि किसी लोन अच्छी किसी इनकमेंस अच्छी आपको क्लीयर करा पड़ो। सेलर डिक्लेयर्स दैट प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम ऑल इनकमेंस लोन्स एक्सेट्रा, और जब क्या सहित सेयर होने फ्री करेंगे, तो यहाँ तो कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशंस आपने डिस्कस कले, तो बर्तमान नेक्स्ट टॉपिक विषय कथ हो, जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन, तो दर्शक मोस्ट इंपोर्टेंट यह कि आपने तो जगह किणिले जगार तापर एग्रीमेंट अफ सेल डीड हम, तो एग्रीमेंट अफ सेल हम, तो सब जिस देख पारे, तो इंडिया नॉन जुडिशियल पेपर टी अच्छी, तो आप देखते गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली गोटे सैंपल नहीं गूगल रू मैंने डाउनलोड कर देखा गोटे एग्जांपल नहीं, तो ये माइक्रोफिंट और नो फियर ऑफ टैम्परिंग ई स्टैंप यहाँ अच्छी, तो यहाँ देखाई सर्टिफिकेट नंबर सर्टिफिकेट इश्यू डेट, तो यहाँ डेट इश्यू हो 14 नवंबर 2013 गोटे 6 सकाल मैंने मध्यान पर, तापर अच्छी अकाउंट रेफरेंस, तो ये रेफरेंस नंबर भी लिखाई, तापर यूनिक डॉक्यूमेंट रेफरेंस, तापर परचेज बाय मैंने लोकों ना ये लुचा जाए, तापर ये डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट आर्टिकल 4 एफिडेविट एफिडेविट कर, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, तापर नॉट एप्लीकेबल यहाँ डिटेल लिखा जाए। कंसीडरेशन प्राइस, तो प्राइस टाइट 0 लिखाई है, कि आप प्राइस जहाँ ये लिखा जाए, फर्स्ट पार्टी जीतने तक नाटा लिखा हाँ, फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी नाटा लिखा हाँ, तापर सेकंड पार्टी नॉट एप्लीकेबल ये जो सब सैंपल पे, कि सेकंड पार्टी के ना लिखा जाए। स्टैंड ड्यूटी जस्ट गोटे सेमती गोटे लिखाई है 10 टाँह, कि आसल 10 टाँह ना बहुत ही अधिक थे, तापर बार कोड अच्छी नो फियर ऑफ डुप्लिकेशन, डुप्लिकेशन हो पार ना। डिटेल्स ऑफ द सेलर, सेलर ना कौन, तो बापा ना कौन, परमानेंट एड्रेस कौन, तो ये सब जिस आपड़ी देखा पाए, डिटेल्स ऑफ बायर भी अच्छी, तो डिटेल्स ऑफ बायर भी सिमिलर, तो एमती हम, तापर एग्रीमेंट फॉर सेल एंड परचेज, तो डिफॉल्ट पेनल्टी अच्छी आपने डिस्कस कले कि जदि से मैंने डिफॉल्ट पेनल्टीज अच्छी सेलर एंड बायर बायर को जी बिकुचे से जब बिकवन तेल 20% देखा पड़ो, 20 टाँह जगह तक 20 लाख टाँह से फेर, आज जी किणुचे से जब कि मना करदे से 10 लाख टाँह जो दे 10 लाख टाँह सेलर रखीदेव, जी बिकुचे से रखीदेव 10 लाख टाँह आगे फेर आवश्यक ना। एग्रीड प्राइस अर्नेस्ट मनी जनरली 10% पेमेंट टाइम 2 to 3 months सेलर टू क्लीयर अल द ड्यूज सेलर कांट सेल आफ्टर दिस एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है आज सेलर क्या से जगह बिक्री करपर ना। नेक्स्ट है सेलर डिफॉल्ट्स देन 20% पेनाल्टी, सेलर जो दबन तेल 20% पेनाल्टी, तो एबे ये कथी तो सरला, बर्तमान आम देखिए ओल्ड स्टैंप पेपर एंड न्यू स्टैंप पेपर, तो ये थी दर्शक बंधु ओल्ड स्टैंप पेपर और यहाँ है ई स्टैंप पेपर बा न्यू स्टैंप पेपर, तो एग्रीमेंट ऑफ सेल अच्छी से पचर देखा, कि आगे देखा स्टैंप पेपर को किपर पढ़े, तो ओल्ड स्टैंप पेपर जो थी ड्राफ्ट सेल डीड जो अच्छी मैंने जस्ट गोटे सेमती देखापी मैंने रियल नुह जस्ट सेमती गोटे एग्जांपल देखिए द डीड ऑफ सेल आप पढ़ते द डीड ऑफ सेल is made and executed on this date on the day of date of day लिखाई 2020 कौटी
କ'ଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ନା ୟାଦ୍ରି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୁବନାଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ସନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ଡଟର୍ ଅଫ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଏଜେଡ୍ ଏବାଉଟ୍ ତା'ପରେ ଏଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଇୟର୍ସ ଅକୁପେସନ୍ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଥିଲେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ଘର ନାଁ ଘର ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ଘର କେଉଁଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ତା'ପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ତା'ପରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ତା'ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଯିଏ ବିକୁଛି ତା'ପରେ କାହା ଫେଭର୍ରେ ତା'ପରେ ସନ୍ ଅଫ୍ ଡଟର୍ ଅଫ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ସେମ୍ ଏଜେଡ୍ ଏବାଉଟ୍ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ କେଉଁଠି ଆଧାର କାର୍ଡ କ'ଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ କ'ଣ ନମ୍ବର କ'ଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହିୟର୍ ଆଫ୍ଟର୍ କଲ୍ଡ ହିୟର୍ ଇନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ କଲ୍ ଦ ଭେଣ୍ଡି ଅଫ୍ ଦ ଅଦର୍ ପାର୍ଟ ଦ ଟର୍ମସ୍ ଦ ଭେଣ୍ଡର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭେଣ୍ଡି ହିୟର୍ ଇନ୍ ୟୁ ସେଲ୍ ହୁଏର୍ ଏଭର୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସ ସୋ ଆଡମିଟ୍ସ ମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦେୟାର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ହାୟର୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ ସକ୍ସେସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିଗଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସାଇନମେଣ୍ଟସ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଆଟ୍ ଦ ପାର୍ଟିଜ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍ ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ଦ ଭେଣ୍ଡର୍ ଇଜ୍ ଅ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଓନର୍ ଅଫ୍ ଦ ଓପନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେରିଙ୍ଗ୍ ବିଲୋ ମେନ୍ସନ୍ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଜାଗାର ମାନେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇସାରିଛି କି ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତା ମାଲିକ କିଏ ତ ଏଠି ଦେଖା ସରିଛି ତ ଏଇଟା ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଫର୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ର ସେଲ୍ ଡିଡ୍ଟା କିପରି ହେଉଛି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିସ୍ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଡେ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମାନେ ଡେଟ୍ଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଡେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା'ପରେ ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ କିଏ ବିକୁଛନ୍ତି ସନ୍ ଅଫ୍ ଡଟର୍ ଅଫ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍ସ ଅକୁପେସନ୍ ଏଠି ଚାକିରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଏଇଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଯିଏକି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ବା ବ୍ରୋକର୍ ଥାନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ବିଙ୍ଗ୍ ମାଇନର୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଫାଦର୍ ମଦର୍ ଫାଦର୍ ମଦର୍ ବ୍ରଦର୍ ଅର୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଗାର୍ଜିଆନ୍ ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଦର୍ ମଦର୍ ଅର୍ ଗାର୍ଜିଆନ୍ଙ୍କ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ତା'ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ ଅଫ୍ ଡଟର୍ ଅଫ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍ସ ଅକୁପେସନ୍ ଯିଏ କିଣିବେ ତ ଜେନେରାଲ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ନି ଡିଟେଡ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ନି ଦିଆଯାଇପାରେ ତ ଏଇଟା ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା'ପରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଆଜ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିସ୍ 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 ହିୟର୍ ଇନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ରେଫର୍ଡ ୱାଜ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟର୍ମସ୍ ଆଲ୍ ମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଲ୍ ହାୟର୍ସ ଲିଗାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ଆଟର୍ନିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସାଇନିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ଏସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତା'ପରେ ହିୟର୍ ଇନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ରେଫର୍ ୱାଜ୍ ଡେଭଲପର୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଣ୍ଡର୍ ନମ୍ବର ଟୁ which terms shall include all its partners, representatives, assignees, successors in interest, herein after referred to as vendors. ତ ମାନେ ଯିଏ କିଣୁଛନ୍ତି ଜାଗା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଲିଗାଲ୍ ହାୟର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ତା'ପରେ ଲିଗାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ତା'ପରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ଆଟର୍ନିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରିଫାଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ନୋଟରାଇଜ୍ ହେଲା ତ ନୋଟରାଇଜ୍ ହେଲା ବୋଲି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୋଟରାଇଜ୍ ତ ଏଠି ନୋଟରାଇଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏଇଟା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ନୋଟରାଇଜ୍ ହେଇସାରିଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ତ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଲ୍ ଡେଟ୍ କିପରି ହେଇଛି ତ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଦିସ୍ ସେଲ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଦ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଡେ 27th of April 2021 ଠିକ୍ ଅଛି ତ 27/4/2021 ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏଇଟା ହେଇଛି ବାଇ ଆଣ୍ଡ ବିଟୁଇନ୍ ମିଷ୍ଟର ଭି କେ ଜି ନାୟର ଏଜ୍ ଏଡ୍ ଆବାଉଟ୍ 91 ଇୟର୍ସ ସନ୍ ଅଫ୍ ଭକେଲ କୃଷ୍ଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ରିସାଇଡିଂ ଆର୍ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତା'ପରେ ହିୟର୍ ଇନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଟୁଆର୍ଡ ଦ ଭେଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଟର୍ମସ୍ ଆଲ୍ ମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦ ହାୟର୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ଲିଗାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଆସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନୋମିନିଜ୍ ଅନ୍ ଦ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ କାହା ଫେଭର୍ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି ତ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି ଅଶ୍ୱିନ ରାଜଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ 27 ଇୟର୍ସ ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ପର୍ଚେଜର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ୱିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫେର୍ ଆଜ୍ ଅ ଭେଣ୍ଡର୍ ହିୟରିନ୍ ଇଜ୍ ଅ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଓନର୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମୁଭେବଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିୟରିଂ ନମ୍ବର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ ଦ କଭର୍ଡ କାର୍ ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ମାନେ କାର୍ ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ସହିତ ସେ ବିକୁଛନ୍ତି ଅଫ୍ ଦ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରେଡ୍ ଏନ୍କ୍ଲେଭ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ 2 ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ସୁପର୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ 1204 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ତ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 1204 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1204 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ 523 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ କାର୍ ପାର୍କିଂ ମିଶିଲେ 523 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ ସେୟାର ରାଇଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବିଙ୍ଗ ଦ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିୟରିଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ନମ୍ବର 314/8 ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପଟେଲ ରାମାରେଡ୍ଡି ରୋଡ୍ ଦୋମଲୁର ଲେଆଉଟ୍ ଡିଭିଜନ ନମ୍ବର 72 ତ ଏଇଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତା'ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଭିଟି ସେଲ୍ ହିୟରିନ୍ ଆଟ୍ କଲେକ୍ଟିଭଲି ରେଫର୍ ଟୁ ଆଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ବିକ୍ରି ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ କିଛିଟା ଦେଖିବା ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭିକେଜି ନାୟର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଇସାରିଛି ତ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ଏତିକି ତ ଏତିକି ଜାଗା ତା'ପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦ କମେନ୍ସୁରେଟ୍ ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଫୁଲି ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବି ଦ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଦାଟ୍ ଆର୍ ଏଗ୍ରି ଟୁ ବି ସୋଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ମୋର୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫୁଲି ଇନ୍ ଦ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ସି ତ ଏଇଟା କେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବାକି ଜିନିଷ ବାକି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଫର୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେଣ୍ଡର୍ ପର୍ଚେଜ୍ ଦ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ସି ପ୍ରପର୍ଟି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେଭଲପର୍ ଇନ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ବାଇ ହୁଇଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ବିୟରିଂ ନମ୍ବର ତ ଏଠି ସେଲ୍ ଡିଡ୍ର ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଟ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ବୁକ୍ ନମ୍ବର 1 ଇନ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଶିବାଜୀନଗର ବାଙ୍ଗାଲୋର ତ ଏଇଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଅଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଅନୁସାରେ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଫେର୍ ଇଜ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ ଅଲ୍ସୋ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଫ୍ଟେନ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ
एंड द बीबीएमपी अथॉरिटी हैज ऑल्सो असाइंड विद द न्यू खतना नंबर खाता नंबर दिस टू द खतियान हेथाइपर एंड खाता लिखा है टू द स्केड्यूल सी प्रॉपर्टी द वेंडर हैव ऑल्सो पेड अप द ड्यू प्रॉपर्टी टैक्स टू द सेड अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट टू द शेड्यूल सी प्रॉपर्टी तो ये सब लिखा है प्रॉपर्टी विषय सब लिखा है टोटल कंसीडरेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेड्यूल बी मैंने 60 लाख जगह रुपीज 60 लाख रुपीज ओनली आउट ऑफ द परचेजर विल पे इज मेंशन बिलो टू द वेंडर तो मिनिमम 5 लाख टाँग दबा पड़ो ट्रांसफर ट्रांजाक्शन रेफरेन्स टू दिस पर्सन तो ये लिखाई भाई ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफर मैंने 5 लाख दबा पड़ो तो ये लिखाई 5 लाख टाँग दे देखते 5 लाख टाँग मसक भितर देते ठीक अच्छे तो बाय ऑनलाइन एग्रीमेंट ट्रांसफर विदिन ए मंथ फ्रॉम द डे ऑफ दिस एग्रीमेंट ऑफ सेल एग्जीक्यूशन तो गोटे मस पर मैंने 1 मंथ पर आपको दबा पड़ो तो यहाँ ये होती टीडीएस एज पर सेक्शन 194 IA ऑफ आईटी एक्ट इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 डिडक्टेड ऑन द पेमेंट ऑफ टुवर्ड्स सेल कंसीडरेशन एंड शैल बी डिडक्टेबल फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ टोटल सेल कंसीडरेशन इन नीड ऑफ एनेबलिंग द वेंडर टू क्लेम द सेड टीडीएस अमाउंट इन द डिस्चार्ज ऑफ द इनकम टैक्स ऑब्लिगेशन ऑन सेल ऑफ द सेड प्रॉपर्टी द परचेजर ऑफ परचेजर्स बैंक इज ऑब्लिज्ड टू डिपोजिट द टीडीएस अमाउंट एंड प्रोवाइडेड द नेसेसरी सर्टिफिकेट तो ये कंप्लीटली गोटे फॉर्मल लैंग्वेज लिखा जाए जहाँ भी आप जानक पाइले तो बर्तन कथ द वेंडर सेल प्ले मेंटेनेंस चार्जेस जोटा कि अच्छे मैंने जो फ्लैट जो किनले से मेंटेनेंस चार्जेस भी देते वाटर चार्जेस देते इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देते एंड अदर बिल्स भी से पेमेंट करेंगे रेज अगेंस्ट द शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी बाय द बिल्डर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन अंटिल द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड This has been agreed upon between the vendor and the purchaser of and the vendor will bear and pay the maintenance to the apartment association pertaining till the date of registration of deed of sale. तो जो पर्यटन ये बिक्री सरला तापर आप मेंटेनेंस पे अन्य चार्जेस पे दबा पड़ो द परचेजर ऑफ हिज नॉम और हिज नॉमिनी शैल बियर द स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड अदर इंसिडेंटल चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेल डीड फॉर द शेड्यूल सी प्रॉपर्टी तमने स्टैंप ड्यूटी पैसा किए दबो स्टैंप ड्यूटी पैसा जे किणुंत से ही देते तो ये लिखा है स्पेशली मेंशन कराई द वेंडर फर्दर कन्फर्म दैट दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू एनी एग्रीमेंट और GPA with any other person or persons prior to this sale agreement and whereas the vendor also assured that property is free from any encumbrances ta mane property kichi encumbrances nahi kahar bhi loan chalni apre ki kahar share nahi property re au ei property ta au ke hako se bikri paribe nahi bikri kari paribe nahi the vendor further confirmed that they have not entered into any agreement or GPA with any other person or persons prior to this sale agreement and whereas the vendor also assured that the property is free from all encumbrances तो इन सब भी बर्तन ये एस्योर हो सारी तपर इंटर मैं इंटर टोटल 10th टर्म में कौन जो प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो इश्यू ऑफ लीगैलिटी लीगैलिटी किसी भी इश्यू नहीं एंड द वेंडर हैव प्रोवाइडेड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इनकमरेंस सर्टिफिकेट टू प्रूव एब्सोल्यूट ओनरशिप एंड पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी तो इनकमरेंस सर्टिफिकेट दबा को निहत भी आवश्यक जहाँफल कि प्रूफ हो कि प्रॉपर्टी अच्छे एब्सोल्यूट ओनरशिप एंड पोजिशन आपको मिल सारा से प्रॉपर्टी इफ एनी साइड डिसाइड्स टू रिट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन एंड डज नॉट payment does not make payments or execute the documents they will be liable for a penalty of amount 2 lakh rupees तो 2 लाख टाँग दवा पड़े जदि कहीं भी मैंने रिफ्रेन करते हैं प्रॉपर्टी बिकवे कि 2 लाख ऑलरेडी डिसाइड हो सारी ना 20% दबा पड़े अधिक दबा पड़े तो 2 लाख डिसाइड हो सारी तो स्पेसिफिकली इफ द वेंडर बैक आउट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन द वेंडर्स आर रिटर्न ऑल पेमेंट्स रिसीव्ड एज एडवांस इंक्लूडिंग TDS पेड बाय परचेजर इफ एनी एंड ऑल्सो पे 2 लाख रुपीज जहाँ भी पैसा देखो एडवांस मिले सब टाँग से फेरब आ 2 लाख टाँग भी सहित फेर As penalty, if the timeless envisaged provided the vendor provide all necessary documents, the purchaser will forfeit 2 lakh rupees as penalty. Jodi sabun se mane seller bikhi ho chuki, jodi purchaser bhi kine ho chauni, tal tako 2 lakh khada dawa pudo as forfeit amount ba koi bari apan manko seta job thejo paisa ti. The purchaser will forfeit rupees 2 lakh rupees as penalty. In case of mutual termination, all payments without any interest from the either side should be completed within 15 days. म्यूचुअल एग्रीमेंट हेला म्यूचुअल टर्मिनेशन हेला ऑल पेमेंट्स विदाउट एनी इंटरेस्ट फ्रॉम इधर साइड शुड बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज 15 दिन भितर आपको कंप्लीट करा पड़ो तो यहाँ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेल डीड एंड आज आम वीडियो टोटल डिस्कशन कले अबाउट द सेल डीड आज आम डिस्कस कले अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस अबाउट द सेल डीड पेमेंट मेथड्स एंड पेमेंट केते मास कर जो नेगोशिएशन प्राइस अब एडवांस 10% दिया जाए एडवांस जब कि देवे 20% फेर पड़े 10% फेर पड़े तो विषय में डिस्कस कले एंड इनकमेंस सर्टिफिकेट विषय डिस्कस कले अदर विषय सब विषय आज डिस्कस कले सेलर डिक्लेयर्स कौन सेलर कौन डिक्लेयर करेगा कि प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम ऑल अदर इनकमेंसेस सब विषय डिस्कस कला ये तो इंडियन नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर देखे ई स्टैंप पेपर देखे डिटेल्स देखे कौन अच्छी
ओल्ड स्टैंप पेपर आउ ई स्टैंप पेपर विषय डिफरेंस देखले तब सेल डेट विषय भी देखले कि केमती कौन सेल डेट हुए और कौन कौन लिखा जाए तब ये गोटे एक्जामपल देखले कि सेल डेट किपर हो तो ये सन अफ डटर अफ तर कौन कौन लिखा है सब देखले प्राइस के आग्रह एडवांस के पेमेंट है सब जिन आज देखा पाइले तो यहाँ था आज आम टोटाल नोट्स एंड द नोट्स अबाउट द प्रॉपर्टी ज्ञान चैनल आज आम सब जिन डिस्कस करें अबाउट द सेल डीड एग्रीमेंट ऑफ सेल डीड एंड आई होप आपने किसी नुआ जिन शिखिथे और आप जानवा पाते कि किपर सेल डीड कराए आपने नुआ नुआ जिन शिखा पाते कि किपर सेल डीड रे स्टाम्प ड्यूटी जो लिखा है से पेमेंट के देखा पड़े सब जिनसे लिखा थे मेनसन थे आपने ठकाम शिकार ना चाहते आपने प्लीज पढ़ने जब आपने किणुना तो आपको कत टा पे करेंगे से बिकुना तो कत टा पे करा पड़े सब जिनसे लिखा जाए क्लज पढ़ी थे आप बुझे कि हाँ भाई आपने ठकामी शिकार होती कि आपने किपर वंचित होते ये ठकामी शिकार हमारे तो जिनसा आपने शिखिपारे तो ये भिडियो मुझे आशा करें किसी नुआ जिन शिखित जदि आप किसी शिखिं तो प्लीज आपने कमेंट्स कहुत आगामी दिन में आम बहुत सारा भिडियो जमी प्लानिंग करूँ कि आपने बहुत जिन भिडियो देखा पाए बहुत सारा नलेजेबल भिडियो आप देखा पाए जगह बाड़ी रिलेटेड तो आम चैनल को आगे देखापे प्लीज सब्सक्राइब करते आशीष प्रॉपर्टी ज्ञान ओडिया यूट्यूब चैनल को तो दर्शक बंधु देखा पा एक नूतन भिडियो सहित आ एक हेल्पफुल भिडियो सहित देखा पा एक नूतन भिडियो एक नूतन दिन में आव एक नूतन टाइम तो देखावा से पर्यटन अलविदा जय जगन्नाथ वंदे उत्कुचनी जय ओडिशा जय ओडिया रही नमस्कार धन्यवाद।